ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बिजनौर में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को जागरूक किया है। बिजनौर में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान होना है, इसी को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए जागरूक अभियान चलाया गया। डीपीएस स्कूल के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए वोट डालने का महत्व बताया। छात्र छात्राओं ने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि अपने सभी काम छोड़कर पहले अपना वोट डालना है और अपने आसपास रिश्तेदारों को भी वोट डालने के लिए कहना है। सबसे पहले मैं बिजनौर वासियों से अनुरोध करूंगी कि 14 फरवरी जो कि बिजनौर में मतदान है, तो सब लोग जाके अपने वोट का यूज करें और जाके मतदान करें। ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है ताकि हम एक अच्छी सरकार बना सके। मेरा बिजनौर वासियों से सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली गो एंड वोट। थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी के झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश का संपूर्ण सर्वनाश किया। साथ ही बुंदेलखंड में विकास के नाम पर उन्होंने कोई नई परियोजना लागू नहीं की है, साथ ही क्षेत्र की जनता को पूरी तरह से धोखा दिया है। यशपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में योगी की बनाई हुई गौशालाओं में सिर्फ गायों की मौत हो रही है, उन्हें खाने के लिए चारा तक नहीं है। झांसी के गरौठा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। झांसी के गरौठा विधानसभा से सपा प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर ग्राम सिया खरका भोबई भरिया गांव खांगर और गुरसराय के कटरा मोहल्ले में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता को भरोसा दिया है कि इससे पहले जब सपा की सरकार थी तब युवाओं को रोजगार दिया गया था, इसके बाद अगर मौका मिला तो फिर से रोजगार दिया जाएगा। देखिए, लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। लोग, ये गांव तो हमारा परिवार है, हमारे पुरखों ने आसपास रहकर ये कहीं ना कहीं विश्वास बनाया होगा, परिवार की तरह सारे लोग साथ हैं। यहाँ जाति वर्ग की लड़ाई नहीं है, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग अपनी समस्याएं कम करना चाहते हैं। वहीं फैसलों का भी फर्क है। पिछली सरकार में लैपटॉप मिल रहे थे बच्चों को, कन्या विधवा मिल रहा था बेटियों को, माताओं को पेंशन का इंतजाम था। कोई गांव ऐसा नहीं जहां हम लोगों ने काम न कराया हो। सीतापुर में लोधी समाज के लोग बीजेपी सरकार से बगावत करते नजर आ रहे हैं। सीतापुर से लोधी समाज को टिकट न मिलने से नाराज होकर लोधी समाज ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने हम लोगों से दावा किया था कि सीतापुर में एक सीट लोधी समाज को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनने वाला है, हम लोगों को अपमानित किया गया है। आदरणीय सांसद जी, जो इस सीतापुर में राजनीति में चाहते हैं वही होता है, और उन्होंने भी हम लोगों से वादा किया था कि आपको हम एक टिकट देंगे, और इसीलिए जब से हम लोगों का अपमान किया गया तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बायकॉट कर दिए। और इस बार सीतापुर की नौ विधानसभा पूरा हमारा लोधी समाज पूरा, क्योंकि हमारा इस जनपद में कोई सुनने वाला नहीं, ना तो भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में है कोई, ना तो हमारा कोई यहाँ सांसद है, ना हमारा विधायक है, तो हम लोग वोट देके क्या हम लोग गुलामी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।